पुलवामा की रहने वाली आसिया जान अपने इलाके में नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक है। 25 वर्षीय आसिया ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बी कीपिंग सेंटर में कदम रखा। उनका उद्देश्य अपने बिजनेस वेंचर की सफलता के साथ साथ गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण भी था। रूरल लाइवलीहुड मिशन की सहायता से और अपने दृढ़ निश्चय से आसिया ने न सिर्फ ऑर्गेनिक हनी बिजनेस को नया स्वरूप दिया, बल्कि उस वेंचर से 20 अन्य महिलाओं को जोड़कर उनकी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया। मैं 2015 में NRLM से जुड़ी हूँ। फिर हम एक SAG मेंबर थे। फिर आगे आगे जाके हमें BPM सर, जो हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर होते हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको शहद ये बी बॉक्सेस मिलेंगे। और हमारे अर्शद सर ने हमसे कांटेक्ट किया कि आप ट्रेनिंग में जा सकते हो। हमने बोला हाँ, हम जा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर हमने ट्रेनिंग की, यहाँ पुलवामा में 5 डेज की ट्रेनिंग थी। फिर हमें वहाँ से 10 बी बॉक्सेस मिले हैं। फिर हमें अलग अलग मेंबर को मिले थे। फिर हमने वो एक ही जगह रखे, फिर एक ही जगह हमने वो स्टार्ट किया है। सभी जो मेंबर इस रोज़गार के साथ जुड़े हैं, हमारे सभी फैमिली अभी इस पर डिपेंड हैं। शुक्रगुजार हैं अपने गवर्नमेंट के और अपने NRLM के, जिसने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं अपने टांगों पे खड़ा होने के लिए। LG साहब ने मेरी हौसला अफजाई की है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं उसके शुक्रिया अदा करती हूँ। और उस हौसले की वजह से मैं और ज़्यादा काम में इंटरेस्ट आ गया है। जो रिसेंटली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आवाम की आवाज़ में जो जिक्र किया था आसिया जान का, आसिया जान हमारी यहाँ पे SAG मेंबर है। इंसेप्शन से, यानी कि बिगनिंग से ही वो काम कर रही है इस NRLM फोल्ड में, जिसने बहुत अच्छी कारकर्दगी करके एक तो वो अपनी फैमिली को भी चला रही है, दूसरा जो उसके अराउंड वहाँ पर जो उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप में या उसके विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी उसने अलग अलग के काम तरीके के काम सिखाए हैं। जैसे अगर हम बी कीपिंग की बात करें, उसमें 20 से ज़ायद अफराद जो है इसमें जो इन्वॉल्व उसने किए हैं, जो उसके साथ जो बी कीपिंग उनके पास हाईवे से वो काम करते हैं। ये जो काम है शहद का काम, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। हमारे कस्टमर फ़ोन पे बोलते हैं कि हमें शहद चाहिए, वो आते हैं और ले जाते हैं हमसे। लोग चाहते हैं कि हमें साफ मिले, प्योर मिले, मिलावट ना हो, इसलिए हमारी डिमांड बहुत अच्छी रही।